Hello everyone and welcome to my channel Octopus Math by Sahiba. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हमेशा वन ही क्यों देती है, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दो तरीक़ों से एक्सप्लेन करूँगी। एक मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँगी नंबर्स से, और दूसरा मैं आपको इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ दूँगी। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको रूल्स ऑफ इंडिसेस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और अगर आपको वो रूल्स रिवाइज करने हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। पहले इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स टेक अ नंबर 2 to the power 4, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 times 2 times 2 times 2। अच्छा, अगर मैं बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 1 शुड गिव मी 2 to the power 3। दिस इज़ बाई रूल नंबर 2। एंड राइट साइड पे इट्स वेरी प्रैक्टिकल टू सी कि 2 times 2 times 2 times 2 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 2 to the power 3, और 2 times 2 times 2। अगर मैं फिर बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 to the power 2, अगेन बाई रूल नंबर 2। एंड ऑन द राइट साइड 2 times 2 times 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे 2 2, सो विच इज 2 times 2। अब फिर अगर मैं बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 कर दूँ, 2 to the power 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2 to the power 1, अगेन बाई रूल नंबर 2, बेसिस सेम होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और राइट साइड पे 2 times 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 2। और फिर अगर मैं दोबारा बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 करूँ तो 2 power 1 डिवाइडेड बाई 2 power 1 ओनली, तो जब बेसिस सेम होते हैं पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 1 minus 1 is 0, सो 2 power 0 हो गया लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे जब 2 divided by 2 किया तो आंसर 1 हो गया। तो यहाँ से हमने ये प्रूव किया प्रैक्टिकल अप्रोच से कि 2 power 0 is 1। अब इसी चीज़ का एक मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। अगेन आपको अगर ये प्रूफ समझना है तो उसके लिए आपको इंडिसीज के रूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे लेफ्ट साइड पे a पावर 0 को मैं लिख सकती हूँ a power m minus m, और a power m minus m को मैं मजीद स्प्लिट कर सकती हूँ a power m times a power -m में। ये मेरी वीडियो रूल्स ऑफ इंडिसेस के रूल नंबर 1 के तहत हो रहा है। अब a power -m को मैं 1/a power m लिख सकती हूँ। ये मेरी रूल्स ऑफ इंडिसेस का रूल नंबर 5 है। अब a power m times 1/a power m इज सेम एज a power m/a power m, तो वो कैंसिल होके हमेशा 1 देंगे, एंड 1 is equal to a power 0। इफ यू लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड स्प्रेड द नॉलेज। डोंट फॉरगेट टू गिव माय वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल Octopus Math by Sahiba for more videos.